हाय गाइस, हेलो गाइस, मैं हूं रवि, ये है राहुल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है लाइव दोगुना। और आज फिर से हम एक कॉकटेल बेस्ड वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, फिर से कॉकटेल। हाँ, और भाई जैसे कि आपको बताया है कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, तो कॉकटेल भी पार्ट है ड्रिंकिंग का। तो हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है, नए नए कॉकटेल्स आपको मिलते रहेंगे इस सीरीज़ में मिड ऑफ द वीक। एंड आज हम कॉकटेल पता है किस चीज़ का लेके आए हैं, हमने रिसेंटली एक स्पिरिट का, ठीक है मैं दिखाई देता हूँ क्या क्या बना ना। हमने रिसेंटली जिन का रिव्यू किया था, अगर आपको याद हो तो, इंडियन ब्लू मून जिन। हाँ, हम मेरे को ठीक ठाक लगी, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ऑसम जिन है, अच्छी जिन है। नहीं भाई, मैं कहूंगा जिन ठीक है, लेकिन जिन का मजा ना आप विद वाटर या नहीं ले सकते हैं। जो आज रवि करने वाला है ना, एक्चुअल में जिनका मजा ना उसी के साथ है। बिल्कुल। और जैसे कि ये जिन हो गया, वोडका हो गई, ये जो स्पिरिट्स है ना, ये कॉकटेल बेस्ड स्पिरिट्स होते हैं, इससे कॉकटेल्स अच्छे बनते हैं। तो आज हम इसका कॉकटेल बनाएंगे, जो सबसे बेसिक कॉकटेल जिनका बनता है, जिन एंड टॉनिक, बट वो भी दो तरीके से बनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोल दूं कि इसका जो रिव्यू हमने किया है ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुका है, जाके उसको एक बार चेक जरूर करना, आपको आइडिया होगा कि किस लेवल की जिन है और जिनके बारे में फैक्ट्री ऑफ मान पड़ेगा। रवि ने बहुत अच्छी तरह जिनका डिस्क्रिप्शन दिया था कि जिन क्या है, कैसे होती है, क्या होती है, तो वो भी आपको बहुत अच्छी तरह मालूम पड़ पाएगा। तो आप देखो उसको भी और इसको भी एंजॉय करो। चलो रवि आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, दो तरीके के कॉकटेल बनाएंगे, जिन एंड टॉनिक है, जिन एंड टॉनिक ही, बट दो तरीके से है, ठीक है। तो राहुल बनाएगा लेमन बेस्ड, थोड़े से लेमन मैंने पहले से काट के रखे थे, और मैं बनाऊंगा यहाँ पे ऑरेंज बेस्ड, ठीक है। और टॉनिक हम ये इस्तेमाल करेंगे, ये एक्चुअली में ये जो टॉनिक है ना, ये इसी के साथ फ्री मिला था हमें, इंडियन टॉनिक वाटर, लो कैलोरी यार, लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया है भाई। लो कैलोरी टॉनिक वाटर है भाई। तो चलो, स्क्वायन कॉर्पोरेशन है, इंटरनेशनल ब्रांड है क्या ये? इंडियन बेस्ड टॉनिक ही है एक्चुअली में। एक्चुअली जो ये जिन एंड टॉनिक की कहानी है ना, जिन एक्चुअली में इंडिया से ही स्टार्ट हुई है। ओके, ठीक है, इंडिया में जिन तो आता था, बट जिन का जो फ्लेवर था ना, कुछ ज़्यादा स्ट्रांग होता था, और नॉर्मल पानी मिलाने के बाद भी ना मज़ा नहीं आता था, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे, उन्हीं के टाइम पे ये इजाद हुई थी, तो ब्रिटिशर्स ने एक और वाटर बनाया, स्पेशल वाटर बनाया, जिसको वो टॉनिक बोलते थे, ठीक है, जिसको वो मिक्स करके पीते थे और फिर उसका टेस्ट निखर के आता था। ओके, हाँ, तो ये टॉनिक का जो रेसिपी है ऑलमोस्ट आज के टाइम पे भी काफ़ी हद तक वैसी ही है। तो हम टॉनिक इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ये वाला, क्योंकि इसके साथ फ्री आया था। खोल लो, बड़ी जल्दी है, खोलो खोलो, ऐसे खोलो ना, ऐसे खोल लो, क्या दिक्कत है, खोल पाओ तो। मैं एक बोलता हूँ, ये मत करना है, दांत टूट जाते हैं, ये सबसे बेटर ऑप्शन है। जब सेफ है तो इससे करो। खुल गया आराम से यार, क्या चीज है दांतों का यूज करने की, है ना। और हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं सिंपल सिरप का, ठीक है, शुगर सिरप, हाँ, नाइस, प्लस अपना जिगर तो है ही है यहाँ पे, हाँ, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलो, तो राहुल स्टार्ट करो आप। चलो, मैं तब तक जो मैंने टुकड़े तैयार कर रखे हैं वो मैं डालता हूं। तो गाइस, सबसे पहले शुगर सिरप लेंगे 30 ml, ठीक है, और ये 30 ml शुगर सिरप अपना आ गया, ठीक है। और इसके बाद लेंगे हम अपना जिन, इसकी भाई जो ओपनर है ना, था मजेदार है ना, हाँ मजेदार भाई। हम इसके डालेंगे अंदर 60 ml अपना जिन, ठीक है, बॉटल क्लोज, ठीक है। अब हमने इसके अंदर अपना जिन डाल लिया है, हमने शुगर सिरप डाल दिया है, अब इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा लेमन, डालो भैया, ठीक है, ये आ गया लेमन। सॉरी गाइज, जो स्क्वीज़र है वो अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल से मेरा मतलब है कि हमने ख़रीदा ही नहीं है अभी तक, हाथ से ही काम चलाते अरे हैं। हम ये सब इनके पास भी नहीं होगा, ये भी ऐसे काम चलाएंगे। चल भाई, तो साइड में रख दे। तो ठीक है, अब इसके अंदर हम डालते हैं ये सिरप, हाँ, ठीक है, ओहो हो, ठीक है। चल भाई रवि, अब तू अपना ड्रिंक तैयार कर। तो ऑलरेडी जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑरेंज तो स्टार्टिंग में डाल ही दिए थे, थोड़ा सा मेरे को लेमन पसंद है अपना, टैंगी थोड़ा सा, तो मैं वो भी डाल रहा हूँ, और ऑरेंज का हम जूस डालेंगे इसमें,
ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, कि फ्लेवर अच्छा आ जाए ऑरेंज का, है ना, क्योंकि ये ऑरेंज बेस्ड है हमारी, ठीक है। तो ये हमने, मैंने ऑरेंज, लेमन बन रहा है, वो ऑरेंज बन रहा है, हाँ, तो ये हमारा ऑरेंज आ गया इसमें अच्छे से, ठीक है। तो ऑरेंज डाल लिया हमने, नींबू डाल लिया हमने इसमें, और अब हम इसमें डालेंगे लगभग 30 ml अपना सिंपल सिरप, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, ओके। शुगर सिरप हो गया, सिंपल सिरप, और जो हमारा मेन प्लेयर है जिन, अगेन 60 ml, वाह, ठीक है। और अब बंद हो जा, तुमने रेनबो बना दिया वैसे, अच्छा है भाई, ऑरेंज है, ठीक है। अब इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे अपना बचा हुआ, टॉप अप कर देंगे इसको, नाइस, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जिन एंड टॉनिक लेमन बेस्ड, तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और अब करेंगे इसको हम ऑरेंज से गार्निश, और मैं करूँगा लेमन से गार्निश, बिल्कुल। ये हो गया हमारा जिन एंड टॉनिक लेमन ओरिजिनल और ऑरेंज थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ, ओके, ठीक है, ट्राई करें आप, मेरे को इसके वाला ट्राई करने का बड़ा मन कर रहा है, चीयर्स। करेंगे, चीयर्स। भाई आला है जिन पीने का सही मजा, एक काम कर आगे बढ़े इससे पहले तू ये ट्राई कर, मैं ये है ना, हाँ भाई ये भी बढ़िया है, है जिन एंड टॉनिक में ना बहुत सारे वेरिएशन है जिन एंड टॉनिक के, हाँ। कोई सा भी फ्रूट आप यूज करके एक जिन एंड टॉनिक तैयार कर सकते हो, फ्लेवर ला सकते हो, बट जो ये वाला जो राहुल ने बनाया ये सबसे क्लासिक है, इसमें बस एक ही एडिशन क्या है, क्योंकि इसका मेरे को थोड़ा सा ना इसमें कोरिएंडर मेरे को थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा था इस दिन, हाँ। में तो हमने इसमें थोड़ा सा उसको मेलो डाउन करने के लिए सिरप, सिंपल सिरप इसमें ऐड किया है। बहुत सारे ऐसे आपको वेरिएशन मिलेंगे जिन एंड टॉनिक में जिसमें सिंपल सिरप भी लोग नहीं डालते हैं, सीधा जिन, जो बिल्कुल क्लासिक जिन एंड टॉनिक जो राहुल ने बनाई है सिंपल सिरप के साथ भी अमेजिंग बनी है, क्यों राहुल भाई, मेरे को तो बहुत पसंद आई भाई, है ना, और ऑरेंज वाली भी बढ़िया है ना, मस्त है ना, मतलब दोनों फ्लेवर का ना अलग ही मज़ा आ रहा है, मतलब जिन पीने का अलग ही मज़ा आ रहा है भाई, है ना, ओ हाँ। तो मज़ेदार है इसका जो जिन का रिव्यू हमने ऑलरेडी डाला था वो तो ऑलरेडी है ही है, साथ ही ये जो जिन एंड टॉनिक है ये ट्राई करना, हाँ, तो बनता है, मैं कहूँगा ये लाकेज के साथ ट्राई करने का अलग मज़ा है ना, हाँ। मार्केट में आज के टाइम पे बहुत तरीके के टॉनिक वाटर अवेलेबल हैं, बहुत तरीके के, और ये तो हमें इसके साथ फ्री मिला था तो हमने इसके साथ ट्राई किया है, बट ना टॉनिक वाटर भी काफ़ी सारे अलग अलग फ्लेवर में भी आते हैं इनका भी, लेकिन लोगों को बता देते हैं आपको इसके लिए डिटेल्स ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि, हाँ, हमने कौन सा वाला टॉनिक यूज़ करा है, हाँ, तो वाला टॉनिक आप ला के भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको वो भी ना मिले ना तो बस स्प्राइट ले आना या लिम्का, और भाई उसके साथ ही आप बना के इसको जिनको एंजॉय कर सकते हो भाई, बहुत ठीक बनेगा भाई, हाँ, उसमें आपको ना ये सिंपल सिरप ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले से मीठे होते हैं, हाँ, बाकी ऑलमोस्ट वैसे ही टेस्ट आपको मिलेगा, लेमन ला के उसमें इंट्रोड्यूस कर देना, हाँ। मैं चाहता हूँ लेमन इंट्रोड्यूस कर देना, और बाकी आप उसके साथ भी ये वाला तो आप बना ही लोगे यार, बिल्कुल, थोड़ा से मिंट लीव्स जो होते हैं पुदीना के 2-3 पत्ते और डाल देना, मज़ा आ जाएगा आपका, हाँ। फिलहाल मैं ये कहूँगा कि अच्छा अच्छा ड्रिंक है जिन एंड टॉनिक, बढ़िया बना है, लेकिन सिर्फ अगर आप वो यूज़ कर लोगे ना सिर्फ आपको एक डिसएडवांटेज होगी, लड़कियों को लो कैलरी वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा जो टॉनिक के साथ ही में आपको मिल सकता है। टॉनिक बेसिकली बनाया इस तरीके से तैयार किया जाता है कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो थोड़े से लो कैलरीज वाले, उनको जब वो बनाया जा रहा है तो कर सकते हैं, बट आप कोई भी और दूसरा कोई सा भी आप ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करोगे उसमें तो पहले शुगर ऐड होता ही है, बिल्कुल, तो कैलरीज का तो इशू रहता है, बट यार अब अगर आप पी रहे हो तो इतना कैलरीज का क्या फर्क पड़ता है, इंजॉय करो। तो राहुल कुछ और ऐड करना चाहेगा इसके बारे में? बस थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना, ऐसी प्यार बनाते रहिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपने कॉकटेल कैसे बना के ट्राई करा और कहाँ ट्राई करा, है ना, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि हमने बताया और आपने ट्राई करा और कहाँ ट्राई करा, यही नहीं है कि हम सिर्फ रिव्यू देते हैं, मतलब कि हमने जिनका रिव्यू दिया, किसी स्कॉच का रिव्यू दिया, किसी वोडका का रिव्यू दिया, जब रिव्यू देते हैं ना उसके बाद हम चाहते हैं कि आप लोग भी वो ड्रिंक लाएं, ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने भी उसका फ्लेवर वैसे ही इन्जॉय करा जैसे हमने करा है,
या कोई डिफरेंटली इंजॉय करा है कि हमें भी पता चले ना कि आपको वो ड्रिंक कैसी लग रही है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल, प्लस नई नई रेसिपीज भी आप शेयर करो हमारे साथ इस शो पे, हम वो रेसिपीज भी डालेंगे। हाँ, क्या बता, आप कॉकटेल हमसे अच्छे बनाते हो। हाँ, आप अच्छे कॉकटेल बनाते हो, आप हमें वो रेसिपी शेयर करो, हम इस पर करके दिखाएंगे, हम रिव्यू करेंगे, और आपका कॉकटेल हो सकता है दुनिया में और लोगों को पसंद आए हमारे जरिए। है ना, हो सकता है जो काम आप ना कर पा रहे हो हम आपको फेमस करा ले। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि हम भाई किसी का क्रेडिट नहीं मारते हैं, अगर आप हमें अपने कोई रेसिपी भेजोगे ना तो हम आपके नाम के साथ प्रॉपर उस रेसिपी को शेयर करेंगे लोगों के साथ, अगर वो रेसिपी हमको भी पसंद आई तो। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो अपनी रेसिपीज भी शेयर करो, हम उस पर भी वीडियोज काफी सारे बनाते रहेंगे। और ये डिपार्टमेंट रवि का है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि रवि ये वाली रेसिपी हमारी ट्राई करो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली ऑलवेज, ठीक है, एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। फिर से कोरोना नए नए रूप में आया जा रहा है, कभी कुछ तुम्हारा तो, तुम्हें पता तुम्हें कौन सी दवाई लेनी है। हाँ, लोगों ने बता रखी है, बस वो दवाई लेते रहो। तो बस थोड़ा सा अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, बाकी जिंदगी के मजे लो। ओके भाई, लाइफ एंजॉय करने के लिए नए नए कॉकटेल मॉकटेल और आप नई नई स्कॉच ला के ट्राई करो, और हम भी ट्राई करते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो बस ऐसी जिंदगी चल रही, चलने तो यार मेरे साथ। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए लाइव दोनों तरफ से चेयर्स।